दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के विषय में, जिसमें व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। और यह योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी शुरू कर रही है। इस योजना के तहत आपको सबसे बड़ी बात है, कोई भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। अभी तक आपने बहुत सारी स्कीम्स देखी होंगी दुर्घटना बीमा की, आपको कहीं 1 रुपये प्रति माह जमा करना पड़ता था, 1 रुपये साल में या 365 रुपये साल में जमा करना पड़ता था। बहुत सारी केंद्र सरकार भी दुर्घटना बीमा चला रही है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अंशदान देना आवश्यक था। लेकिन यह स्कीम इसलिए खास होने वाली है क्योंकि आपको 1 रुपये खर्च करना नहीं है। जो भी प्रीमियम होगा वो सरकार भरेगी, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कभी भी अगर भविष्य में आपके साथ दुर्घटना होती है तो आपके परिवार को, या अगर आप जीवित रहते हैं तो आपको उसका लाभ दिया जाएगा। तो फुल डिटेल के साथ बात करेंगे ये स्कीम कब चालू होगी और कैसे आप आवेदन करेंगे, क्योंकि ये स्कीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको 2 लाख रुपए का लाभ दिला सकती है। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूं झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों ये इस स्कीम का ऐलान जो अभी 2020 में जब बजट लॉन्च हुआ 21 में, तब ऐलान किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। तो उस स्कीम को पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया, मैं उस पर इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। देखिएगा, पूरी तरह से मुफ्त होगी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, सरकार ही भरेगी प्रीमियम। 1 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए योजना लॉन्च करने की तैयारी, दायरे में आएंगे 45 तरह के कर्मकार। प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। बीमा का प्रीमियम सरकार अपने खजाने से भरेगी। सरकार ने इस योजना का ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया था। अमर उजाला ने इस योजना का सबसे पहले खुलासा किया था। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता से गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में योजना की रूपरेखा पर सहमत बन गई है। इस उप समिति में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व अन्य श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बतौर सदस्य शामिल हैं। समिति ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों व बीमा के योजना से जुड़ने वाले बैंक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद योजना की रूपरेखा तैयार की। उप समिति ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की तर्ज पर ही प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के हित में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना संचालित करने पर सहमत दी है। योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के 1 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना पर मृत्यु पर 2 लाख की सहायता दी जाएगी, 50 से 100% स्थानीय अपंगता पर 1 लाख व 25 से 50% पर 50 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये आ रहा है। यह प्रीमियम सरकार अपने बजट से बैंकों को देगी। सरकार यह धनराशि अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवा योजन सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के नाम से अलग से खोले गए खाते में उपलब्ध कराएगी। प्रीमियम का भुगतान बैंक वार करने का प्रस्ताव है, इसलिए बजट में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। तो दोस्तों यह पूरा जो मैं बता दूं, अगर आप सबोदर्द कहीं जा रहे हैं, आपकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप आंशिक रूप से विकलांग होते हैं तो 1 लाख रुपए का, जो 50 से 100% के बीच में अगर विकलांगता आपको होती है तो 1 लाख रुपए आपको सहायता मिलेगी। अगर आप 25 से 50 के बीच में पहुँचते हैं तो 50,000 रुपये आपको इस बीमा के अंतर्गत दिया जाएगा। अब योजना के दायरे में कौन से कर्मकार आएगा, मतलब इसके लिए आवेदन कौन कर पाएगा, दोस्तों इसका लाभ किनको मिलेगा। योजना के दायरे में धोबी, दर्जी, नाई, मोची, माली, बुनकर, कोरी, जुला, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, मोटरसाइकिल व साइकिल की मरम्मत करने वाले सहित 45 तरह के काम करने वाले आने वाले हैं। दोस्तों इसमें ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार। उप समिति ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि पोर्टल तैयार है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जल्द कराने की योजना है। रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए होगा, इसमें 10 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए व 10 रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष के लिए अंशदान के रूप में कुल 60 रुपये खर्च करने होंगे। उप समिति ने योजना का व्यापार प्रचार कराने का कहा है। दोस्तों इस स्कीम में जो आपको लाभ दिया जाएगा, मैंने बता दिया किस कैटेगरी से दिया जाएगा, लेकिन आपको जब भी रजिस्ट्रेशन आप कराने जाएंगे तो टोटल आपको 60 रुपये खर्च करने होंगे मात्र रजिस्ट्रेशन के।
तो ये पूरा आपको 60 रुपये में इतना लाभ दिया जाएगा, और भी कोई प्रीमियम भरने की आपकी आवश्यकता नहीं होगी। ये योजना जल्दी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट होगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कैसे इस योजना में अप्लाई करना होगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, इससे मैं आपको लगातार अपडेट वीडियो देता रहूँ। जन आरोग्य योजना की तैयारी तेज। असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी मिलेगा। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारी में इलाज के लिए आयुष्मान योजना की तर्ज पर 5 लाख रुपए का मदद का प्रावधान है। दोस्तों, जैसे केंद्र सरकार आयुष्मान स्कीम चला रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ हो चुका है। जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को इस योजना से जोड़ा जाएगा, और आपको भी साल भर में 5 लाख रुपये तक मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान दिया जाएगा। तो ये दो बड़े अपडेट थे, पहला मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और जन आरोग्य योजना के तहत। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट रह जाता है इस स्कीम के विषय में तो आप हमें कमेंट करें। हम जल्द ही इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना जैसे स्टार्ट होगा आप तक वीडियो लेकर आएंगे, तो आप तब तक वेट करें। और चैनल से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।